आज हम बनाने वाले एक कप चावल के आटे के कुरकुरित नमकीन स्टिक। हाँ दोस्तों, बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाते हैं। आप इसे एक महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हो। मैं उम्मीद करूँ कि ये नया तरीका आपको बहुत ही पसंद आएगा। देखते मुंह में पानी आ गए, तो झट से घर पे बनाना और कैसी लगी रेसिपी कॉमेंट करके जरूर बताए। चैनल पे नए हो गए तो लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करना ना भूले। अब यहाँ पर हमने एक कटोरी जितना चावल का आटा लेना है दोस्तों। जो रेगुलर हमारे घर में चावल होते हैं ना, उसे मिक्सी जार में पीस लेना है, एकदम पाउडर के जैसे पीसना है और इसे छान भी लेना है। इसे हमने पहले ही छान कर रखा है। अब हम एक पैन ले लेते हैं। अभी आपको मैं एक परफेक्ट प्रमाण बता देती हूँ दोस्तों। तो जिस कटोरी से हमने चावल का आटा लिया था, उसी कटोरी से हमने पानी लेना है। एक कटोरी चावल का आटा, तो एक कटोरी यहाँ पे हमें पानी ले लेते भर के। देख सकते हो, अभी यहाँ पे मैंने गैस ऑन नहीं किया है दोस्तों। पहले यहाँ पे हमें सामग्री डाल देते हैं। तो आधा चम्मच यहाँ पे डालेगी चिल्ली फ्लेक्स, जो सूखी वाली जो मिर्च होती है उसे हमने कूट लेना है। आधा चम्मच डाल देते अजवाइन, अजवाइन का जो टेस्ट एक नंबर लगता है। अभी एक नया स्वाद के लिए हम डालेंगे डेढ़ चम्मच जितनी तिल। तिल का जो नटी स्वाद होता है ना दोस्तों, एक नंबर लगता है खाने में। तो यहाँ पे डालेंगे आधा चम्मच जितना जीरा। जीरे के साथ डालेंगे ढेर सारा कटा हुआ धनिया। अब यहाँ पे डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब यहाँ पे डालेंगे खस्ता बनाने के लिए दो चम्मच जितना हमें ऑयल डाल देना है। छोटे वाले चम्मच यूज करना है दोस्तों, ये वाले। अब यहाँ पे गैस ऑन कर देना है और इसे अच्छी तरह से उबाल लेना है। अब यहाँ पे हमने गैस ऑन कर लिया है दोस्तों, अभी इसे अच्छी तरह से उबाल लेना है, कड़क उबालना है। जो भी हमने सामग्री डाली थी दोस्तों, पानी के साथ भूल जाए, तभी टेस्ट आएगी हमारी स्टिक में, है ना। अभी यहाँ पे चमचा ले लेती हूँ, इसे चला लेती हूँ और कड़क उबाल लेना है पानी को। अब यहाँ पे पानी में अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। आप देख सकते हो पानी का कलर भी हल्का येलो हो चुका है। जो भी हमने सामग्री डाली थी पानी के साथ घुल चुकी है। अब जो चावल का आटा हमने लिया था वो थोड़ा थोड़ा करके हमें डाल देना है और एक चमचा भी चलाते रहना है, क्योंकि यहाँ पे हमने चावल के आटे की गुठली थोड़ी भी नहीं चाहिए। और इस स्टेज पे हमें गैस की फ्लेम थोड़ी धीमी कर लेनी है, देख सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ पे ऐसे अच्छी तरह से चलाते रहना है। हाँ दोस्तों, आपको ये रेसिपी हमारी नई कैसी लगी तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताना है। आप इसे एक महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हो, ये थोड़ी भी खराब होती नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में। एक नया स्वाद मैंने आपको इसमें दिया हुआ है। मैं उम्मीद करूंगी कि ये तरीका आपको बहुत ही पसंद आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। अभी जैसे ही यहाँ पे मैंने चलाया, आप देख सकते हो थोड़ी भी यहाँ पे गुठली हुई नहीं, कुछ भी नहीं, चावल का आटा अच्छी तरह से घुल चुका है, परफेक्ट। अभी स्टेज पे हमें गैस बंद कर देना है और ढक्कन लगा के 5 मिनट तक छोड़ देना है। अब यहाँ पे ढक्कन मैंने लगा लिया। अभी आपको बोला ढक्कन क्यों लगा, ढक्कन लगाने से क्या था, जो भी हमारी है ना चावल का आटा अच्छी तरह से कुक भी हो जाता है और फूल भी जाता है, इसलिए यहाँ पे ढक्कन 5 मिनट लगाना है। आप देख सकते हैं एकदम स्टीम आ रही है। अभी चमचे से मैं निकाल के आपको बता देती हूँ, एकदम बढ़िया से हमारा ये आटा कुक हो चुका है। अभी यहाँ पे एक बर्तन ले लेती हूँ और इस बर्तन के हमें इसमें डाल देना है, देख सकते हो इस तरीके से। अब इसे हल्का सा ठंडा होने देना है, ज्यादा भी ठंडा ना करे, हल्का सा ही रखना है गुनगुना, तभी इसका हमें डो बनाना है। अब यहाँ पे आटा अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। हाँ दोस्तों, ज्यादा भी हमें ठंडा नहीं करना है, हल्का सा गर्म रखना है। यदि ज्यादा गर्म होगा, आप इसमें डो बनाओगे तो आपका हाथ जल जाएगा, तो हल्का सा रखना चाहिए। जिससे हम लोग अभी देख रहे, मुझे ऐसे लग रहा है मैं कर पाऊंगी डो, तभी इसमें हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, ज्यादा नहीं सिर्फ थोड़ा थोड़ा डालना है। एक हल्का सा 2 या 3 चम्मच जितना हमें डाल देना है पानी, देख सकते हो इस तरीके से, क्योंकि हमें यहाँ पे पानी में अच्छी तरीके से बना के रखा था ना इसलिए, और ये अच्छी तरीके से डो बनकर तैयार हो जाता है। अभी आपको एक प्रश्न चिन्ह गिर गया होगा कि चावल लेना है तो हमें कौन से लेना है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी, यदि आप रेसिपी बना रहे हो तो इसमें चावल हमें एकदम पुराने चाहिए। जितने पुराने चावल होते हैं ना, उतनी हमारी स्टिक एक नंबर लगती है, खस्ती और करारी लगती है। तो इस बात का ध्यान दे, नए चावल ना ले, एकदम पुराने वाले चावल ले। तो यहाँ पे देखो 2 या 3 चम्मच से इसका डो बनकर तैयार हो गया है। मैंने थोड़ा ही पानी डाला था, ज्यादा नहीं, तो ये एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। अभी आपको लगा डो को हमें यहाँ पे सेट करना है क्या, नहीं करना, नहीं दोस्तों, हमें सेट वगैरह कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट ही इसे बेलते रहना है हमें, क्योंकि ये एकदम जल्द से जल्द बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे एक बात का ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे हमें ज्यादा से ज्यादा मसलना है, जितना आप मसलोगे डो हमारा उतना ही चिकना बन जाएगा, तो इस बात का ध्यान देना है। 2 या 3 मिनट तक इसे अच्छी तरह से मसलते रहे, इस तरीके से मैं आपको लेके बता देती हूँ, आप देख सकते हो एकदम, तो डो हमारा एकदम चिकना बन जाए। थोड़ा दरदरा होता है ना चावल काटा, इसलिए जितना आप मसलोगे उतना हमारा ये डो एकदम चिकना बन जाएगा।
तो यहाँ पे मैं दो या तीन बार मैं कर लेती हूँ। अब यहाँ पे डो को हमने अच्छी तरह से मसल लिया और डो हमारा परफेक्ट चिकना बन चुका है। आप देख सकते हो इस तरीके से, ये थोड़ा भी हाथों में चिपक नहीं रहा, कुछ भी नहीं, एकदम बढ़िया सा डो बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे हम ले लेते चॉपर। अब यहाँ पे हमने चॉपर पे ले लिया है, अभी इसे मैं तीन में डिवाइड कर लेती हूँ पेड़े। अभी इसे दो रख लेती हूँ और एक पेड़ा मैं ले लेती हूँ। इसको अच्छी तरह से गोल शेप में हम कर लेते हैं। आप देख सकते हो अभी हम जब यहाँ पे बेलेंगे तो ये चॉपर पे चिपक जाएगा। तो यहाँ पर हमने चावल का आटा ही लेना है, सूखा वाला। इसे एक बार डस्ट कर लेते हैं, जो भी एक्स्ट्रा चावल का आटा होगा वो निकाल लेना है हमें। देख सकते हो इस तरीके से चावल का आटा लगाने से ये थोड़ा भी चिपकेगा नहीं, कुछ भी नहीं। जितना पतला बेलना चाहते हो उतना ये बेलकर हो जाएगा, जितना पतला चाहे उतना। आप देख सकते हो इस तरीके से इसे रोटी के जैसे हमें बेल लेना है, पतला सा, और अच्छी तरह से बेलकर हो जाता है दोस्तों। ज्यादा समय लगता नहीं, कुछ भी नहीं, और थोड़ा भी ये चिपकता नहीं। यदि चिपकने लगे तो इसमें क्या करना है, थोड़ा और चावल का आटा ले लेना है, उसमें स्प्रेड कर लेना है, उसके ऊपर हमें ये रख लेना है। तो अभी इसे और हल्के हल्के हाथों से हमें रोटी के जैसे बेल लेते पतला। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही हमने पतला बेला है दोस्तों। जितना पतला बेलना चाहोगे इतना ये पतला बेलकर हो जाता है, एकदम बढ़िया सा, एकदम पपड़ के जैसे। देख सकते हो रोटी कैसे हम बेलते हैं, उतना ही हमने इसे पतला बेला है। अब यहाँ पे हम लोग कटर ले लेते हैं और जो चाहे मन चाहे आप इसमें शेप दे सकते हो। यहाँ पे मैं बहुत ही सिंपल सा शेप दूंगी, झट से बनकर तैयार हो जाता है और समय भी कम लग जाता है। अब यहाँ पे मैंने पिज्जा कटर लिया है, आपके यहाँ पे चक्कू होगा जो होगा उससे आप कट कर सकते हो। अभी पिज्जा कटर से हमने यहाँ पे इस तरीके से करेंगे और ये वाला जो दिख रहा है अभी इसे वापस इसे लुई में बना लेंगे डबल। तो यहाँ पे मैं बहुत ही पतला पतला बनाना चाहूंगी, देख सकते हो एक ही लाइन में ये हो जाता है, एकदम बढ़िया सा। एक बार ये स्टिक आप खाओगे ना तो खाते ही रह जाओगे, बहुत ही कुरकुरित लगती है और नए स्वाद के साथ मैंने इसे बनाया है दोस्तों। तो देख सकते हैं आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाती है, ज्यादा कुछ समय लगता नहीं, कुछ भी नहीं। और जो पहली बार देख रहे हो और पहली बार बनाना चाहते हो ना वो भी आसानी से बना लेंगे। अब चॉपर को मैं थोड़ा यहाँ पे इसे घुमा लेती हूँ, परफेक्ट। आप देख सकते हो अभी ये वाला जो पोर्शन होता है ये भी इसे मैं कट कर लेना है। यदि आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो। अभी यहाँ पे ढाई या तीन इंच की दूरी पे हमें इस तरीके से कट कर लेना है, देख सकते हो इस तरीके से एकदम। इसे साइड में मैं निकाल लेती हूँ इसे भी। अभी यहाँ पे एक लेके मैं बता देती हूँ, इजीली निकल रहा है ये। कितनी पतली मैंने यहाँ पे बेली हुई ये स्टिक, झट से बनकर तैयार हो गई है। इसी तरीके से बाकी की सारी स्टिक बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पे ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। हाँ दोस्तों, जो चावल की जो हम लोग स्टिक बनाते हैं तो यहाँ पे इतना गर्मा गर्म ऑयल चाहिए, ठंडा ऑयल बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब एक ही स्टिक यहाँ पे मैंने झारे पे डाल दिया है, अब इसमें मैं इसे डाल दे जाना है। गर्मा गर्म ऑयल चाहिए, ठंडा ऑयल होगा तो फिर चिपक जाएगा कि जैसे के वैसे इसकी मजा आएगी नहीं। देख सकते हो एकदम गर्मा गर्म ऑयल, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया स्टिक तो ये तुरंत ऊपर आ चुके हैं एकदम बढ़िया से। इसे उलट पुलट कर लेना है, नमकीन पापड़ी के जैसे लगती है। और चावल का जो आटे का जो टेस्ट होता है ना, एक नंबर लगता है। तो यहाँ पे इसे और दो मिनट चला लेती हूँ। हाँ दोस्तों, ये जो स्टिक हम लोग बना रहे तो यहाँ पे ज्यादा समय लगता नहीं, कुछ भी नहीं। दो या तीन मिनट में ये फ्राई हो जाती है, ज्यादा समय नहीं लगता है। जैसे बबल्स कम हो जाए तभी इसे निकालना है, पहले निकालना नहीं। यदि आप पहले निकालोगे ना तो ये भी नरम हो जाएगी, कुरकुरी हमारी स्टिक बनेगी नहीं। तो और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं, गैस के पे हमें फास्ट ही रखनी, धीमे आटे से ना फ्राई करें। अब यहाँ पे देख सकते हो पहले से कितनी आधी बबल्स हो गई है, अभी इसे हम निकाल लेते हैं। आवाज देख लेना इसका, एकदम आवाज से मालूम होगा कितनी करारे और खस्ते हैं। वाह, जैसे मैंने ऑयल में से निकाला है थोड़ा भी ऑयल पिया नहीं, कुछ भी नहीं, आवाज बढ़िया सा है। इस तरीके से बाकी के सारे स्टिक हम लोग फ्राई कर लेते हैं। तो देखा ना दोस्तों, हमने कैसे बना दी छठ की बट नमकीन चावल की स्टिक। रिजल्ट आपके सामने दोस्तों, आप इसे एक महीने तक स्टोर करके भी रख सकते, थोड़ा भी खराब होता नहीं। और ऑयल तो थोड़ा भी पिया नहीं, कुछ भी नहीं, देख सकते हो थोड़ा भी नहीं। तोड़ के बता देते हो, आवाज देख रहे एकदम कुरकुरा। और एक मैं तोड़ के बता देते हो, आपको अंदाजा आ ही जाएगा। दो ले लेते साथ में, आवाज से ही मालूम होगा एकदम करारा कसता है। यम्मी यम्मी, थोड़ा भी ऑयल पिया नहीं, कुछ भी नहीं दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये रेसिपी सही में आपको हमारी कैसी लगी तो कॉमेंट करके जरूर बताएं। और आप हमारे चैनल पे नए हो गए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले।